एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड व्लॉग पार्ट 5 ऑफ वाराणसी टूर। तो अभी हम जा रहे हैं काल भैरव बाबा के दर्शन करने, और ऐसा कहा जाता है कि जब तक आप यहाँ के दर्शन नहीं करते हो तब तक काशी विश्वनाथ जी के दर्शन आपके अधूरे ही रहते हैं, और इनकी मर्ज़ी के बिना आप काशी में प्रवेश भी नहीं कर सकते। आप क्या कोई भी भूत पिशाच या फिर देवता भी काशी में उनकी मर्ज़ी के बिना प्रवेश नहीं कर सकते हैं, और इन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है, और इसीलिए यहाँ पे यमराज भी नहीं आते, और महादेव खुद यहाँ पे मरने वालों को मोक्ष की प्राप्ति देते हैं। तो ये है यहाँ का मंदिर, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है बट बहुत ज़्यादा अच्छी आपको स्ट्रॉन्ग वाइब आती है, मतलब इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है इस मंदिर में। यहाँ पे आके आप ऐसे धागे वगैरह भी बनवा सकते हो, और जितनी भी नेगेटिविटी होगी किसी भी टाइप की वो सारी चली जाती है, इतना पावरफुल है ये मंदिर। काल भैरव बाबा के दर्शन हो गए हैं, और अब हम जा रहे हैं एक ऐसी यूनिक सी प्लेस पे जो कि पूरी इंडिया में सिर्फ वाराणसी में ही है। उससे पहले आप देख लो, यहाँ पे बहुत जल्दी ही केबल कार स्टार्ट होने वाली है, जिसका स्टेशन इस मंदिर के पास में ही है। तो यहाँ पे है भारत माता मंदिर, जहाँ पे किसी भी भगवान की पूजा नहीं होती है और कोई भी मूर्ति नहीं है, और यहाँ पे है संगमरमर या मार्बल से बना अखंड भारत का मैप, जिसे और इस मंदिर का इनॉग्रेशन 1936 में महात्मा गांधी जी ने खुद किया था। और ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, और जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उन्हें समर्पित है ये मंदिर, और देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है और यूनिक है। और यहाँ पे वॉल्स पे बहुत सारी चीज़ें भी लिखी हुई हैं जिसे आप पॉज करके पढ़ सकते हो। आप इस मैप में देख सकते हो कि सब कुछ इतनी ज़्यादा नीटली और इतना ज़्यादा बारीकी से बना हुआ है, और इसमें सारे हिमालय रेंजेस और सारे डेजर्ट वाटर बॉडी सब कुछ इतने अच्छे से दिखाया गया है। और यहाँ पे हमारे जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो भी सब इंडिया में ही हैं, क्योंकि ये 1837 के टाइम पे बना हुआ है, और उस टाइम तो ऐसा कुछ पार्टीशन नहीं था। तो बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा सुंदर है ये। और यहाँ पे ये नीचे की तरफ रास्ता था, जो क्यों है मतलब रास्ता नहीं, एक बस ये इतना सा रूम है, और यहाँ से वो सारा मैप बहुत अच्छे से दिखाई देता है। और ये क्यों बनाया होगा हमें भी नहीं पता, आपको पता हो तो कमेंट करके बता देना। तो ये व्लॉग यहीं तक था, और अगर आप बनारस जाना तो ये जगह ज़रूर विज़िट करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय।